अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे इस बेसिक साइबर सिक्योरिटी कोर्स में, जहां पर हम पढ़ रहे थे लिनक्स बेसिक फंडामेंटल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड रिमूविंग। किसी एक पार्टिकुलर पैकेज को कैसे हम अपडेट और अपग्रेड करते हैं, ये भी हम आज इंशाल्लाह की क्लास में देखेंगे। बगैर किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप न्यू हैं और आपने हमारी पैकेज मैनेजर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, और लिनक्स की सीरीज़ अगर आपने नहीं वॉच की तो वो भी आप देख लें, अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो गाइज, पैकेज मैनेजर वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है कि पैकेज मैनेजर होता क्या है और उसका काम क्या होता है, और इसी तरह हमने बताया विंडो के अंदर कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ होता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स की डिफरेंट डिस्ट्रोज के अंदर डिफरेंट पैकेज मैनेजर यूज़ होते हैं। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स। डेबियन बेस्ड जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें जो पैकेज मैनेजर यूज़ होता है वो है APT। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए कमांड होगी sudo apt install vim। ये गाइज, तो हम विम पैकेज को हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है। तो हम जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो है गिट का पैकेज। गाइज, ये गिट का जो पैकेज है ये गिटहब से कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की या कोई भी रेपो हम क्लोन करते हैं, कोई टूल हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो हम अपनी काली का पासवर्ड देंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है काली लिनक्स के अंदर तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है sudo का मतलब है ये सुपर यूज़र में इसको रन करेगा, रूट यूज़र में। APT पैकेज मैनेजर है, और इंस्टॉल का मतलब है जब वो इंस्टॉल करेगा। इसके बाद जो हम पैकेज का नाम लिखेंगे वो पैकेज ये इंस्टॉल कर देगा। तो हमने लिखा गिट तो इसने गिट पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि इसको रिमूव कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं गिट को रन करता हूँ तो अब ये इसने सारा इसका यूज़ बता दिया कि गिट को यूज़ कैसे करते हैं। हम देखेंगे गिट को रिमूव कैसे करते हैं। वो सिंपल सी कमांड है sudo apt remove git। तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो गाइस ये हमारा गिट का जो पैकेज है वो रिमूव हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है। तो गाइस ये हमारा गिट का पैकेज है जो रिमूव हो चुका है। अब हम कमांड टाइप करते हैं गिट की कमांड नॉट फाउंड, तो डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। तो हम यहाँ पर वाई प्रेस करके इंटर कर देते हैं क्योंकि हमें गिट चाहिए है और बहुत सारी जगह पे हमें यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइस ये सिंपल सा तरीका था मैंने आपको बताया गिट को कोई भी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे किसी पैकेज को रिमूव करते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर किसी पैकेज को इंस्टॉल अपडेट कैसे करते हैं। तो गाइस इसके लिए सिंपल सी कमांड है sudo apt update। ये हमारी काली की जो रेपो है उसको अपडेट कर देगा।